नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्विजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स के अंदर। यहां पे आज हम सीखने वाले हैं गाड़ी चलाने के बेसिक तरीके के बारे में, उन बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम गाड़ी चलाना जल्दी सीख सकते हैं, किसी और को भी सिखा सकते हैं, और अगर हमें खुद को आती है ऑलरेडी चलानी तो हम रिवाइज कर सकते हैं कि यार ये बेसिक तरीका था जिसके तहत हमने गाड़ी चलाना सीखा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की, जहां पे हम बात करने वाले हैं पहले बेसिक सेटिंग्स जो हमें करनी पड़ेगी गाड़ी शुरू करने से पहले। गाड़ी शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उससे पहले हमें गाड़ी में क्या एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। और दूसरा हम बात करेंगे कि कैसे हमारा स्टार्ट पॉइंट हो, कैसे हम स्टार्ट करें, और लेटर हम बात करेंगे प्रैक्टिस कैसे कंटिन्यू करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत बेसिक सेटिंग्स के साथ जो हमें गाड़ी में करनी पड़ेगी बिफोर वी Start to learn how to drive a car। गाड़ी चलाने का पहला स्टेप था आपकी ड्राइवर सीट को एडजस्ट करना। आपकी सीट आपकी हाइट के हिसाब से और आपके कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जानी चाहिए। आप देख लीजिए कि इसको आपको आगे पीछे कैसे करना है, और ऊपर नीचे का अगर ऑप्शन हो तो वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो विजिबिलिटी है रोड पे वो बेहतर होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको सीट एडजस्ट करनी कर लेनी चाहिए। तो आप एक बार पहले एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद स्टीयरिंग को भी देख लीजिए। अगर स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है, आजकल सारे स्टीयरिंग एडजस्टेबल आते हैं, अगर उनमें ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है जनरली वो यहाँ पे दिया हुआ होता है, तो स्टीयरिंग को भी अपने हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा आप कर लेंगे तो आपकी ड्राइवर आपकी जो सीट है प्लस आपका जो स्टीयरिंग है, इन दो पैरामीटर्स पे आप एकदम तैयार हो गए हैं। अभी अब डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे गाड़ी के ट्रांसमिशन और कंट्रोल्स को समझने के ऊपर। देखिए ट्रांसमिशन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जरूरी ये रहेगा कि हम इस नॉब को समझ लें, इसको कहते हैं गियर, और गियर को समझ लें ताकि इसकी मदद से गियर नॉब को समझ लें ताकि इसकी मदद से हम मनचाहा गियर लगा सकें, क्योंकि अगर ये तालमेल हम नहीं बिठा पाए तो गाड़ी को चलाना मूव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे गियर्स हैं। मैंने हाल फिलहाल ये हैंड ब्रेक लगा रखा है ताकि गाड़ी रुकी रहे अपनी जगह पे। और हम बात कर लेते हैं पहले गियर्स के बारे में। गाड़ी अभी ऑफ सिचुएशन में है, ये अगर मेरे को कभी भी गाड़ी मूव करनी है, गियर लगाना है, मुझे उसके लिए क्लच दबाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैंने दबाया है ये है एक्सिलरेटर, सेकंड ये है ब्रेक, और लास्टली ये है क्लच। तो ए बी और सी, अब यहाँ पे क्या है कि यार ए और बी यानी कि एक्सिलरेटर और ब्रेक, ये तो मैं मेरे राइट फुट से कंट्रोल करता हूँ, और जो क्लच है ये मेरे लेफ्ट फुट से कंट्रोल करता हूँ। अगर मैं क्लच नहीं यूज़ कर रहा तो मैं मेरा पैर यहाँ पे, ये फुटरेस्ट दिया गया है, इस पे रख सकता हूँ, और इनफैक्ट रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस पे रखने की आदत डाल लूँगा तो मेरे क्लच पेट को मैं ख़राब कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे इसको रखना है, और जब जब ज़रूरत पड़े यहाँ पे लेके आना है और क्लच को प्रेस करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी कि जब भी गियर चेंज करना हो क्लच को पूरा दबाना बहुत ज़रूरी है। आधा अधूरा क्लच दबाओगे तो आपके क्लच पेट को नुकसान हो सकता है। ब्रेक डेफिनेटली आप जरूरत के हिसाब से ही दबाओगे, और एक्सेलेटर भी आप जरूरत के हिसाब से ही दबाओगे। अगर अच्छी माइलेज चाहिए तो इसको एकदम फ्लोर करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्सेलेटर को एकदम जमीन में घुसाने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई कीजिए कि थोड़े थोड़े रेस्पॉन्स के साथ ये आगे मूव कर सके। आइए देख लेते हैं स्टेप नंबर वन, हमें कैसे मूव करना है अगर गाड़ी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिनती जैसे कि 1 2 3 शुरू होती है तो गियर भी 1 2 3 ही शुरू होंगे। आप सबसे पहले अपना क्लच दबाइए, और क्लच के साथ साथ पूरा जब दबावा हो तो पहले गियर में गाड़ी डालिए। डालने का तरीका एकदम सिंपल है कि आपने थोड़ा सा लेफ्ट में पुश किया और वन की तरफ पुश कर दिया। ये इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे दिया गया कि वन किस तरफ है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, अगर मैंने क्लच पूरा नहीं दबाया तो मुझे आगे लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्लच पूरा दबावा है तो ये आसानी से चला जाएगा। ऐसे वन गियर, ऐसे ही टू गियर, ऐसे ही थ्री गियर, और फोर के लिए वापस पीछे आना, और फाइव के लिए हमेशा यूं करके आगे जाना। तो इसका पैटर्न आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कर लीजिए, अगर आप वो क्रैक कर लेते हैं तो आपके लिए ड्राइविंग बहुत इजी हो जाएगी। ये जो न्यूट्रल वाला पार्ट है, मतलब नो गियर जोन, जहाँ पे कोई गियर नहीं लगा हुआ, मैंने ऐसे आगे लगाया था, लेकिन एक बार वो पहले बीच में आता है न्यूट्रल में, उसके बाद कहीं और जाता है। ये टू था, उसके बाद भी न्यूट्रल में आता है, उसके बाद ही कहीं और जाता है थ्री की तरफ, फिर मैं न्यूट्रल में लेके आता हूँ, फिर फोर की तरफ लेके आता हूँ। शुरुआत में आप ट्राई कीजिएगा कि कभी भी गियर्स जंप ना करें। फॉर एग्जांपल अगर आप वन पे हैं तो क्लच दबाए दबाए जोर से इसको खट यूं पीछे करने की कोशिश ना करें। वन पे हैं तो हल्का सा यहां करके फिर यहां टू पे लेके आइए। ऐसा करने से आपकी जो बेसिक प्रैक्टिस है गियर्स को यूज करने की वो अच्छी हो जाएगी, और ताकि आप फ्यूचर में इसको और कंफर्टेबली यूज कर पाएंगे, और आपकी गाड़ी की जो क्लच पेट की लाइफ है, आपके गियर बॉक्स की लाइफ है,
वो बरकरार रहेगी। ड्राइव करते हुए ये भी बहुत जरूरी है कि हम हमारे ORVMs यानी कि बाहर वाले जो मिरर्स हैं, ORVM कहते हैं इनको, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इनको भी ढंग से समझ लें और एडजस्ट कर लें। एक बेसिक प्रिंसिपल आपको फॉलो करना होगा, वो पहला तो ये कि आपको पीछे का जो रियर आपका व्हील है, जो पीछे का रियर व्हील होता है गाड़ी का, वो आपको दिख जाना चाहिए और साथ में मैक्सिमम एरिया पीछे का एक कवर कर सके। अगर ऐसी सेटिंग आपने कर ली है, दैट मींस कि अब आप तैयार हैं गाड़ी चलाने के लिए। ऐसे ही आप दूसरी साइड में इस मिरर को भी इसी प्रकार एडजस्ट कीजिए। ये वाला मिरर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बीच वाला मिरर जिसको IRVM कहते हैं, इनसाइड रियर व्यू मिरर। ये वाला डे नाइट एडजस्टेबल है, कभी रात को अगर रिफ्लेक्शन लग रहा होता है तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, तो मेनली ये चीज करता है कि हमारे डायरेक्टली गाड़ी के पीछे वाली चीज, कोई गाड़ी आ रही है या फिर हम पार्किंग कर रहे हैं तब हम पीछे देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट ORVM, ये बीच वाला IRVM और राइट ORVM, इसकी मदद से हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें पता लग सकती है। अब हम शुरुआत करेंगे ड्राइव करने की। ड्राइव करने से पहले जरूरी है आपकी सेफ्टी, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा कि सामने आपको ब्रेक कब लगाना है। ब्रेक हमें तब लगाना होता है जब सामने वाली गाड़ी का टायर दिखना बंद हो जाए। तो हमारे अगर सामने कोई गाड़ी है जिसका व्हील दिखना बंद हो गया, उस क्षण के ऊपर हमें ब्रेक लगा देनी चाहिए, उससे आगे मूव नहीं करना चाहिए। करीब 3-4 फीट का डिस्टेंस दोनों गाड़ियों के बीच में उस समय होता है। तो आइए करते हैं हमारे सफर की शुरुआत, मतलब गाड़ी को पहली बार ट्रायल पे ले जाते हैं। ये गाड़ी एकदम अभी तरह पूरी तरह से ऑफ है इस समय। एक बार मैं इसको मूव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइट जल जाएगी, ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लाइट जला हुआ है तो ब्रेक लाइट जल जाएगी, बैटरी वाली लाइट जल जाएगी और ऑयल वाली लाइट जल जाएगी। जैसे ही मैं इसको क्रैंक करूंगा, मतलब इंजन शुरू करूंगा, अब इंजन शुरू नहीं हुआ है, गाड़ी का सिर्फ कंप्यूटर शुरू हुआ है जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा है कि गाड़ी में उसकी ओरिजिनल चाबी लग गई है। अब मैं इस गाड़ी के अंदर इसका इंजन स्टार्ट करने वाला हूँ इसको प्रेस करके। कुछ गाड़ियों में सिस्टम रहता है कि जब आप ब्रेक या क्लच दबाओगे उसके बाद ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, तो आप देख लीजिए आप जिस गाड़ी पे सीख रहे हैं वो गाड़ी किस प्रकार की है। यहाँ पे जैसे इसको घुमाते हैं आप, सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी, ब्रेक लाइट जली रहेगी क्योंकि ब्रेक आपको हटाना है, वो आपको याद दिला रही होती है। ये मैं हैंड ब्रेक को अब रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक को रिलीज करता हूँ, गाड़ी चलाने के लिए तैयार है। अब तो आप आगे देख सकते हैं कि आपका विजन ऐसा रहना चाहिए गाड़ी का, जब भी आप गाड़ी में बैठे हो, कि ज्यादा से ज्यादा आगे का एरिया आपको क्लियर होना चाहिए। जहां पे क्लैरिटी नहीं वहां पे गाड़ी को रोक देने का है। गाड़ी ये स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने क्लच दबाया, पहला गियर लगाया और ब्रेक भी लगा लिया साथ साथ। अब इन दोनों के बीच में, क्लच और ब्रेक के बीच में बैलेंस से मैं आगे मूव करने की कोशिश करूंगा। गाड़ी मेरी आगे मूव करने लग गई है और मैं आगे की तरफ चल पड़ा हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये बैलेंस ढूंढना है, जिस लोगों ने ये बैलेंस ढूंढ लिया कि जहाँ पे गाड़ी बंद नहीं हो रही है और आपने क्लच और ब्रेक दोनों छोड़ दिए और आगे मूव कर रही है, ऐसी कंडीशन वो होगी जहाँ पे आप गाड़ी सीखने के लिए एकदम तैयार हैं। बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप पहले गियर में प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से गाड़ी को चलाते रहिए पहले गियर के अंदर और उसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपका स्टेयरिंग पे कंट्रोल बार बार वापस से, अब मैं क्लच और ब्रेक दोनों लगाता हूँ, दोनों ब्रेक लगा दिया जोर से मैंने, गाड़ी खड़ी हो गई है, गाड़ी नहीं रुकी क्योंकि मैंने क्लच पूरा दबा रखा है। इसकी जगह अगर मैंने क्लच पूरा नहीं दबाया होता तो ये गाड़ी रुक जाती। मैंने वापस को न्यूट्रल में किया, वापस से क्लच और ब्रेक दोनों लगाए, पहला गियर लगाया और गाड़ी मूव करनी शुरू कर दी। यहाँ पे बैलेंस तलाशते हुए, कि ऐसी जगह पे जहाँ पे गाड़ी बंद नहीं हो रही है, मुझे दोनों छोड़ देने क्लच और ब्रेक, और उसके बाद अगर गाड़ी मूव करने लग जाती है आगे की तरफ, दैट मीन्स मुझे ऑप्टिमम स्पीड मिल गई है जहाँ पे गाड़ी बंद नहीं हो रही है और ये कंटिन्यू करना है आपको। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट ड्राइविंग टेक्निक्स। आने वाले कुछ वीडियो में हम कुछ और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।